गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अ न्यू क्वेश्चन और द एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग आई करंट यूजिंग द एम्पियर्स लॉ ये एक एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन पे बेस्ड है यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसके लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग आई करंट इसका मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं आप कंसीडर अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर को कंसीडर कर रहे हैं इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है ओके okay? इस वी नो दैट वेरी वेल कि जो आई करंट फ्लो होती है किसी भी वायर में तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर देती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं तो ऐसे ही इसी वायर में आई मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है ये हमारा सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको दिखाया है इस सर्कुलर लूप की रेडियस जो है हमारी आर रेडियस है ओके यहाँ पे हम एक करंट एलिमेंट फिर से कंसीडर कर रहे हैं डीएल करंट एलिमेंट और इस डी करंट एलिमेंट के नॉर्मल में बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो हो रही है और आर रेडियस है ओके सो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स सर्किट लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओके डॉट हटाएंगे कॉस थीटा लगाएंगे थीटा यहाँ पे ज़ीरो थीटा ज़ीरो का मतलब है कि कॉस ज़ीरो जो है वो वन हो जाएगा वन होते ही कॉस हट जाएगा बी को हम बाहर ले लेंगे बी इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल की वैल्यू क्योंकि ये सर्कुलर लूप था हमारा इसीलिए डी एल की वैल्यू टू पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई तो बी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर ओके थैंक्स